show. Oh my God! Archana ma'am, up! आप यहाँ कैसे? अरे तू यहाँ, कृष्णा यहाँ, भारती यहाँ, अरे मुझे भूल गए कमीनो? मैम, हाँ, इस कुर्सी के बारे में मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ। एक ऐसी कुर्सी मैंने सालों तक पकड़े रखी थी। ये तो है, मैम, we are so happy to have you. आपका बहुत-बहुत स्वागत है। प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। एक बार जोरदार तालियां अर्चना मैम के लिए। अर्चना मैम, आज का दौर जो है वो मार्केटिंग का है। हमारे शो की मार्केटिंग अच्छी से हो रही है, इसलिए धड़ाधड़ स्पॉन्सर्स हैं। कभी कभी ऑडियंस में इतने लोग नहीं होते जितने स्पॉन्सर्स हैं हमारे। वाओ, अच्छा आप देखना, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने से साफ होते के बाहर आते हैं, ये तो ठीक है, हम समझ में आता है। प्रेस होके कैसे बाहर आ जाते हैं? आम आदमी को यही लगता है कि शायद प्रेस होके निकलेंगे यूं करके। अच्छा, एड बनाने वालों को पता है लोग किसकी बात मानेंगे। आप कभी कभी देखना टूथपेस्ट की एड आते हैं ना, उसमें डॉक्टर को ले आते हैं। डॉक्टर आता है बड़ी स्पीड से, और ये डॉक्टर बना बंदा भी जो ना बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, आपके दांतों की सुरक्षा के लिए हमने चुना है खास टूथपेस्ट। और ये डॉक्टर पकड़ा तब जाता है जब अगली एड में ना जोड़ों के दर्द का पेशेंट बना होता ना। सीरियसली आर्टिस्ट होते हैं ये। दूसरी एड में बोल रहा है घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, अरे हाँ भाई हाँ। और फिर तीसरी एड में जाके दिखता है अक्षय कुमार से पिट रहा होता है कहीं बनियान पहन के। अच्छा, कुछ टूथपेस्ट जो होते हैं वो ये दावा करते हैं कि आप ये टूथपेस्ट इस्तेमाल करेंगे तो आपके दांत जो हैं वो पत्थर की तरह मजबूत हो जाएंगे। पर जानबूझ के ना बूढ़े आदमी से ऐड करवाते हैं, वो अखरोट तोड़ के दिखाता और ऐड तो हो गया, उसके बाद में वही बूढ़ा ना पोपले मुंह से गाली देकर जाता है। अच्छा, कुछ चीजें ना हमें इमोशनल करके बेची जाती हैं। आप बहुत गौर किया होगा, जैसे माँ और देश का हवाला देकर ना, कि उनके स्लोगन ऐसे होते हैं, माँ की पहली पसंद, माँ के हाथ का बना, माँ का भरोसा, माँ का सुझाया, ये नहीं बताते कि किसकी माँ का। वरना वरना लोग जाके उसका बाप सुझाने पहले कि भाई ये क्या बिकवा रहे हो। अच्छा, कुछ टॉयलेट साफ करने वाले ऐड ऐसे आते हैं, उसमें एक आदमी आता है बिना घंटी बजाए ना सीधा आपके घर में घुस जाता है, बताइए आपका टॉयलेट है कितना साफ। अच्छा, ऐसे एक बंदा आया दिनेश के घर में घुस गया, बताइए आपका टॉयलेट कितना, ये बैठा हुआ था कहते हट। अच्छा, बर्तन साफ करने की ऐड आती है, उसमें एक लेडी आती है, खूबसूरत सी लेडी आती है ना, चिकने से बर्तन पे एक ड्रॉप डालती है। अब कितना आसान है बर्तन साफ करना, एक झटके में चिकनाई गायब, आपके हाथ भी रहे मुलायम। अच्छा, जो लेडी बर्तन साफ करते हुए दिखाते हो उसने जिंदगी में कभी कटोरी भी नहीं साफ की होती है, तो उसके हाथ तो मुलायम रहेंगे, पीछे से काम वाली बाइक घूर रही होती है, हाथ तो मुलायम रहेंगे तेरे, बर्तन तो साफ कभी किया ले नहीं है इसने, पति की जेबें साफ कर गई। अच्छा, लोग कुछ ऐड को देख ना कंफ्यूज भी हो जाते हैं कभी कभी कि कौन सी गाड़ी खरीदे, लेकिन हमने दास दादा ना ये गाड़ी खरीदने गए, सेल्समैन से पूछा कि किस तरीके की गाड़ी चाहिए आपको, कहते वो वाली चाहिए जिसकी चाबी लंबी हो, कान खुजाने में ना दिक्कत ना। अच्छा, कुछ ऐड उनका पता नहीं चलता किस चीज की ऐड है। एक ऐसे लग्जरी कार आती है, ऐसे लगता है गाड़ी की ऐड है, पर इसमें साथ भी निकलता है अच्छा सूट पहना, फिर लगता है शूटिंग शटिंग का ऐड होगा, फिर चार लड़कियां आती उड़ती हुई हैं, फिर लगता है परफ्यूम का ऐड होगा, उसका भी नहीं होता, फिर लड़कियां हाथ में रहती, व्हाट अ शेव, 10 रुपए का रेजर बेचने के चक्कर में इतनी गाड़ियां इतनी लड़कियां, सीधे सीधे अर्चना जी से संपर्क करें 500 रुपए में ऐड करें। अच्छा, हर एक ऐड का ना एक टाइम होता है, अगर आपने गौर किया हो, आप देखना अगरबत्ती के ऐड हमेशा सुबह सुबह आएंगे, दोपहर में बर्तन और पंखे के ऐड आने शुरू हो जाते हैं, शाम को गर्म मसाले के ऐड आने लगते हैं, है ना, रात को बेडशीट के और उसके बाद हाजमे की गोली, और ये सब ऐड जब खत्म होते हैं रात 12:30 बजे एक ऐड आती है जिसमें हमारे सिद्धू भाजी ना इंग्लिश बोलने वाली किताब बेच रहे होते हैं। एक महीने में करूं मेरे जैसी फराटेदार इंग्लिश सीखो। अच्छा, खुद को सीखते हुए 35 साल लग गए इनको। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अच्छा, टैली शॉपिंग वालों को जो सामान बेचने की बड़ी जल्दी रहती है क्योंकि उनको ना सस्ता स्लॉट मिलता है। मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि रात वाला स्लॉट सस्ता भी होता है लेकिन वो और सस्ते में निपटाना चाहते हैं,
तो बड़े जल्दी जल्दी भेजते, दो मॉडल खड़े कर लेते हैं, एक लड़का और लड़की, और हाथों में साड़ियां पकड़ी होती हैं ताकि दिखाने में भी टाइम ना जाए। उनका फिर बोलने का स्टाइल देखो, पांच पांच मिनट में ना पांच पांच साड़ियां हाथ में लेके ऐसे यूं बोल रहे, ये देखिए अलग अलग डिजाइन की पांच साड़ियां, स्टॉक में सिर्फ 10 ही रह गई हैं और सिर्फ 20 सेकंड का समय बचा, तो सोच क्या रहे हैं, एक साड़ी के दाम में पांच दोबारा नहीं मिलेगी, 15 सेकंड बचे, अभी फोन उठाइए, अभी कीजिए, इसके बाद मौका दोबारा नहीं आएगा। तो ये है जैसे दुनिया, और वो आपको प्रेशराइज कर देते, एक तो रात को ऐड आता है, ऊपर से आदमी वैसे दारू पी के लुंगी लुंगी पहनने वाला आदमी तीन साड़ी ऑर्डर है, एक करना 15 सेकंड बचे हैं, मतलब अच्छा जो लोकल ट्रेन में बाम बेचते हैं ये अच्छे अच्छे मार्केटिंग वालों को फेल कर देते हैं कसम से, ये लाते एक बाम है उसे हर काम के लिए बेच देते हैं, सर में दर्द, बदन में दर्द, घुटनों का दर्द, हर दर्द का इलाज ये बाम, अगर इनमें सामने को गंजा आदमी दिख जाए ना इम्प्रोवाइज कर देते हैं, अगर किसी के बाल झड़ते हैं तो सरसों के तेल में मिलाकर सर पे लगाएं, एक हफ्ते में सारे बाल वापस, कसम से इम्प्रोवाइज कर देते हैं, एक हफ्ते में सारे बाल वापस, अनुपम खेर से वापस किरण खेर बन सकते हैं। अरे फालतू में ऐसे बस में लोग बैठे हो ना, पीछे वाले को ऐसे दे, हाँ आया भाई साहब, उसको देख के आगे वाले भी ऑर्डर करते थे कि अच्छा पीछे वाले तो ले ही रहे हैं, मतलब इतने स्मार्ट होते हैं लोग। अच्छा कुछ लोग होते हैं जो वैन लगा के ना आयुर्वेद की दवा बेच रहे होते हैं, ज्यादातर बुजुर्ग लोग होते हैं, पूरी इधर उधर दवाइयां ही होती, पूरा घिरा होता है आदमी, बेचारा झुका होता है, बेटा कमर की दर्द, कमर की रीढ़ की हड्डी सीधा कर देगी ऐसी दवाई है, सारी दवाइयां बेच के शाम को खुद उठने के लिए दो आदमी लगते हैं बेचारे, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अच्छा ऐसे ना गलियों में अचार बेचने वाले आते हैं, वो रिकॉर्डिंग मशीन लगी होती है, आपने कभी नोटिस किया होगा छोटे शहरों में ऐसी मशीन आती है, वो बड़ा खूबसूरत सा ड्रामा पेश करते हैं, एक ही आदमी होता है वो ही लेडी की आवाज निकालता है, तो वो मतलब ऐसे होता है कि पता पता चल जाता है, तो ना आए अचार बेचने हैं, तो आगे ड्रामा देखो उनका साइकिल पे मशीन भी लगी, अरे सुनीता क्या कर रही हो, मैं घर में अचार डाल रही हूँ, घर में अचार डाल रही हो, जब घर जैसा अचार बाजार में मिल रहा है तो अपने हाथ क्यों खराब कर रही हो। फिर लेडी की आवाज आती है, घर जैसा अचार, अरे हाँ हाँ आगरा का मशहूर मंगत राम अचार, अच्छा फिर तो मैं आज ही ये अचार लेके आती हूँ, अरे कहाँ से लाओगी, शुद्ध देसी मसालों के जानकार मंगत राम से, और कहाँ से। बड़े नाटक होते हैं, उनके स्किल्स देखो आप कैसे होते हैं, अगर तो आपको जूता ढीला है, अरे मैडम सॉक्स के साथ पहनो ना चलेगा, तो अगर आपको टाइट आ गया, अरे चलेंगे तो इतना तो खुलेगा, वो बोलती नहीं फ्लेक्सिबल नहीं, अरे मैडम जूता पकड़ के ना ऐसे मरोड़ देते, ये देखिए मैडम इससे ज्यादा पैर तो नहीं मुड़ता है आपका, इतना ही मुड़ेगा, मतलब बेच के रहते हो। अच्छा कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको मेंबर बनाने पड़ते हैं, डोर टू डोर मार्केटिंग करनी पड़ती है, ये सबसे मुश्किल काम होता है, इसमें बेइज्जती भी थोड़ी होती है, ज्यादा ही होती है एक्चुअली, तो ऐसी नौकरी के लिए ना कंपनी ने मोटिवेशनल स्पीकर रखे होते हैं, जो सुबह सुबह आपको ऐसा लेक्चर देके भेजते ना कि 12-1 बजे तक तो आप निकल जाते हो, मतलब चल जाता है कि बंदे ने बोला है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वो बोलते पूरा जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अगर किसी दरवाजे पे आपकी बेइज्जती हो रही है तो किसने देखी, लेकिन जिस दिन आप बड़े आदमी बन जाएंगे आपको पूरी दुनिया देखेगी, इसलिए अगले दरवाजे पे जाइए, अगले पे ना हो तो तीसरे पे जाइए, चौथे पे जाइए, 10, 20, 30, 100 दरवाजे कटकटाइए, क्योंकि तरक्की कभी भी पहले पे दरवाजे पे नहीं मिलती दोस्तों, अब्राहम लिंकन पूरी जिंदगी फेल रहे हैं लेकिन आखिर में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, आप घर में लिंकन की फोटो लगाइए, एक दिन दुनिया आपकी फोटो घर पे लगाएगी, वो आदमी अब्राहम लिंकन पता नहीं किस किस की एग्जांपल बेचना होता है उसको 10 रुपए का साबुन, वो उसका भर जाता पूरा, और मार्केटिंग है ये। अच्छा यहाँ पे भी हमारे बहुत सारे दोस्त होंगे जिन्होंने कभी कभी कोई ना कोई ऐड देख के, जी ऑनलाइन शॉपिंग काफी करता था मैं पहले, और अच्छा। कुछ दोस्त लोग वगैरह पहले मेरे नॉर्मल, मैं सलून में नॉर्मल बाल कटाने जाता था, तो वो लोग बोले शंभू चलना यार हम लोग बाल भी कटाएंगे और काफी सस्ते में कटाएंगे। ये भी ऑनलाइन कटते हैं? हाँ। क्या बात कर रहे हो? यस यस। मोबाइल में से कैंची निकलती है। ऑनलाइन बाल कैसे कटते हैं? नहीं सर, बुकिंग करना होता है, एक टाइम स्लॉट देते हैं। अच्छा। वहाँ पे जाना होता है। ओके। जाने के बाद वो मस्त मतलब सुलाएंगे थोड़ा, ऐसे ऐसे बाल भी एकदम प्रॉपर कटिंग वगैरह करेंगे। सुलाते हैं आपको? यस यस ऑफकोर्स। ऑनलाइन रहते उनको जरा अलग ही स्पेशल ट्रीट करते हो। कैसे आपके साथ सो जाते? ऐसे नहीं सर, सर ऐसे नहीं सर, नहीं तो स्पेशल ट्रीटमेंट क्या आपको, लोरी गाने वगैरह सुनाते? नहीं 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 नहीं, स्पेशल मतलब ऐसे गाल खींचते तुम्हारे क्या? नहीं नहीं, हम वहाँ गए तो मतलब पप्पी वगैरह लेते तुम्हारी? और मतलब स्पेशल और क्या होता है, मतलब
तुम भी बाल कटवाने गए? दूसरे जो ऑन द स्पॉट जिन्होंने अपॉइंटमेंट लिया उनका भी बाल काटते हैं, तो स्पेशल क्या होता है? स्पेशल मतलब फटाक से पहुंच गए टाइम पे अपने, और फिर बाल वगैरह कट गया मतलब। उसके बाद क्या करते हैं बाल वगैरह काट के? स्पेशल ट्रीटमेंट क्या? स्पेशल मतलब थैंक यू सर, नेक्स्ट टाइम वापस। और कोई हमारे दोस्त जी? हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, कौन इधर है? अच्छा अच्छा, सबको बोला सबको जी। एक्चुअली आई एग्री कि मार्केटिंग गिमिक्स की वजह से बहुत लोगों को बहुत बैड एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जी, बट मैं क्या करती हूँ, सीजनल सेल्स के टाइम पर बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइनर वेयर्स वगैरह आते हैं। अच्छा जी। तो जस्ट फंक्शन से पहले ऑर्डर कर लेती हूँ, पहन लेती हूँ, उसको पहन लेती हूँ, दुनिया को दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद रिटर्न कर देती हूँ। I am proud of you. So in short, वो लोग दुनिया को लपेटते हैं, मैं उनको लपेटती हूँ। शाबाश। ये वही लड़कियां हैं जो जाके ग्रीन रूम में ट्राई करती ना कि हाउ इज माय न्यू ड्रेस, बाद में चेंज करके वापस से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। शुक्रिया शिल्पी, थैंक यू। इस समय पूरे देश में जबरदस्त ठंड पड़ रही है, ऐसे में सबको कंबल याद आ रहे होंगे, लेकिन हम आपको चंबल याद दिलाते हैं। देखिए राइमिंग, क्योंकि वहां से एक डाकू जो है वो अपनी खूबसूरत जोड़ीदार के साथ यहाँ पे आने वाले हैं। सो प्लीज वेलकम फिल्म सोन चिड़िया से वेरी हैंडसम एंड वेरी टैलेंटेड सुशांत सिंह राजपूत एंड वेरी ब्यूटीफुल वेरी वर्सटाइल एक्टर भूमि पेडनेकर। सुशांत, भूमि, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए यार, डाकू आए तो हमने सामने डाकू लोग आ रहे, बहुत सामने भी बिंदास बनना चाहिए। तो ये भी मतलब आप कम नहीं समझे इनको, आप वैसे बहुत ब्यूटीफुल, लेकिन हंसा के ना बच्चे डरा देते हैं। मैं डरा हूँ, मैंने वो शो देखा, ये बच्चा डर गया। सुशांत तो हमारे कॉमेडी सर्कस में बहुत बार आ चुके हैं, यहाँ पे बहुत बार आ चुके हैं, भूमि पहली बार आई हैं। भूमि आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसा लग रहा है आपको मुझे लाइव देख के? भूमि ने जितनी फिल्में करी हैं, शुभ मंगल, सावधान, टॉयलेट, सबकी सब हिट गई हैं। क्या टॉयलेट एक प्रेम कथा बोल दो, टॉयलेट हिट करी है, टॉयलेट हिट है भूमि की। नहीं नहीं, भूमि की टॉयलेट भी बड़ी हिट थी। अच्छा वैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैं कहा यार जब भूमि उस फिल्म की शूटिंग कर रहे होंगे तो कोई आपको हो रहा है भूमि क्या कर रही है? हाँ मैं टॉयलेट कर रही हूँ। टॉयलेट एक प्रेम कथा बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्म है, पर भूमि एक बात तो कहनी पड़ेगी, आप दोनों मतलब ये मैंने ट्रेलर देखा सोन चिड़िया का, बहुत ही बाकमाल ट्रेलर है और मजा आ रहा है देख के, हमें इंतजार है कि ये फिल्म कब आया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और सुशांत आप इतने फिट और इतने हैंडसम हैं, ये डाकू आपको किसने मतलब पहले उनके किस किसके दिमाग में आए कि आप डाकू अच्छे लगेंगे? बहुत अच्छे लग रहे हैं। मतलब? अभिषेक के दिमाग में आए, उन्होंने बोला कि मैं बहुत ही क्रिएटिव इंसान हूँ और मैं तुम्हें एक्चुअली वो दिखाना चाहता हूँ जैसे तुम अंदर से हो। भूमि जी, इस फिल्म में जो करेक्टर था आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट था, किस ये बोला कि नहीं यार ये लड़की जिस भी फिल्म में होती है हिट होती है तो इनको ले लो, ऐसा तो नहीं था? मुझे लगता है लोग लगते हैं लड़की जिस भी फिल्म में होती है इस फिल्म हिट हो जाती है। वाओ लकी फैक्टर। नहीं यार, लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं, ये एक ऐसा किरदार है जिसको प्ले करते हुए मुझे बहुत मजा आया। अभिषेक चौबे इतने उमदा फिल्म मेकर है कि मेरे बजाय कोई और भी लड़की होती कूद जाती यार रोल में, मैंने छीना मतलब मैंने डकैती की इस रोल की। क्या बात है। अच्छा भूमि ने भले ही देसी लड़कियों के रोल किए हों, लेकिन इनका इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करो आप। करूंगी। ओ ला ला, अब मैं आपको दिखाता हूँ। सारा चेक करके देखा है। मेरे पास है कुछ, ये मैं दिखाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को। मैं भी देखिए। वाओ कम ऑन। और भी है, और भी है, आगे दिखाओ। आगे एक डाल। शो सम मोर पिक्चर्स। और है? और दिखाइए। अच्छा मैं देखा कि भूमि कह रही कि यार मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ, कभी मैं डाकू बनी हुई हूँ, कभी मैं टॉयलेट एक प्रेम कथा में लोटा पार्टी करने जा रही हूँ, तो मैं अपना ये ग्लैमर कहाँ दिखाऊं? अरे भूमि एक सवाल था बच्चों का, ये बोल रहे थे कि यार भूमि हीरोइन है तो इनको, क्योंकि कोई भी करेक्टर हम लोग करते हैं उसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं यार,
अगर डाकू बन रहे हैं तो डाकू के बारे में पता करो, वो रहते कैसे हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या होता है. टॉयलेट एक प्रेम कथा में जब आप लोटा पार्टी करने जाती हैं, आपने कभी ये 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 कॉन्सेप्ट सुना था पहले कि नहीं? आपको पता है ना इसका कॉन्सेप्ट पूरा. ये ऐसा चीज है कि जब ये लोटा लेके लोग जाते हैं ना, वहां पे बड़ी बड़ी बिजनेस डील्स हो जाती हैं. हाँ सीरियसली, हाँ आजू बाजू बैठे रहते ना, अपनी फसल किसको बेच रहा है तू, तेरी बेटी बड़ी हो गई है, उसकी शादी, तो आप यकीन नहीं करेंगे. तो वो मतलब ये बहुत बड़ी, ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस से कम नहीं होता ये. पर एनीवेज हम कौन सी बातें बढ़ गए. आप जो भी बोल रहे हो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो. जब प्रेपरेशन मतलब नथिंग, जरा लाइट डाली. भूमि देखो ये शो ऐसा है कि जहाँ जो दिल में होता है वो निकाल दो. देखो वहां पे तो पूरी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है. बोलो आप. हाँ. दिल खोल के बोलो. मतलब एक बार गई थी फिल्म की शूटिंग के दौरान बात कर रहे हैं. क्योंकि सर वो मेरे लिए जाना बहुत जरूरी था कि औरतों को क्या महसूस होता है. देखिए बहुत ना सेल्फ रिस्पेक्ट पे आपकी डिग्निटी पे ये चीज आती है. तो जब तक मैं वो एक्सपीरियंस नहीं करती तो मुझे नहीं लगता मैं वो किरदार प्ले कर पाती. तो अभी तो काफी हंसी आ रही है. बट एक्चुअली ये बड़ा मुश्किल काम है. जेन्युइन प्रॉब्लम है. इट्स अ जेन्युइन प्रॉब्लम. पर अच्छा मैम ये एक तो है कि जिनके पास अवेलेबल नहीं है सब सोर्सेज नहीं है, कईयों को आती नहीं है ऐसे. मतलब मतलब शौकिया है, शौकिया. अभी गवर्नमेंट ने बोला स्वच्छ भारत अभियान चलाया, बहुत सारे टॉयलेट्स भी बनाए गए, लेकिन कईयों को वो आउटडोर शूट करने में मजा आता है. खुला आसमान, ठंडी ठंडी हवा. पर एनीवेज हम भले हंसी मजाक कर रहे हैं लेकिन सफाई का जरूर ध्यान रखा करें. सुशांत ने फिल्मों में आने से पहले टीवी में भी बहुत काम किया, बहुत अच्छा काम किया. सुशांत ये हमारे टीवी के एक्टर थे कुछ, ये बैठे हुए थे, वो उनका सवाल था, कहते टीवी में ज्यादा पैसा कि फिल्मों में? सच बताना, सच बताना. टीवी में, टीवी में. पर मुझे ये भी पता है कि फिल्मों में भी बहुत पैसा होता है जब आती है. पर हाँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर डूबने पे आए तो डूबता ही बहुत है. लेकिन फिर टीवी में सपना के 1 करोड़ मांग लेती है तो फिर ऐसे मतलब कहाँ फिल्मों में होता है. तो अब वक्त है फिल्म सोन चिड़िया की कार से कुछ और मेहमानों को यहाँ पे इनवाइट करने का. इन तमाम कलाकारों के आप सभी फैंस हैं, सो प्लीज वेलकम मिस्टर मनोज बाजपाई, मिस्टर आशुतोष राणा एंड मिस्टर रणवीर शौरी. जोरदार तालियां हो जाए सोन चिड़िया की पूरी स्टार कास्ट के लिए. मनोज सर, आशुतोष सर, रणवीर पाजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. धन्यवाद जी. सर आपको पद्मश्री के लिए सबसे पहले तो मुबारकबाद सर. जोरदार तालियां होनी चाहिए यार. आशुतोष सर आप हमारे शो में पहली बार आए हैं. जी बिल्कुल, बड़ा मन था कि आप कभी हमारे शो में आए, आज आपके दर्शन हो गए. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग पाजी. थैंक यू पाजी. एक बात पूछनी थी सबसे, आप सब इतने गुड लुकिंग हैं. हाँ. जब डायरेक्टर आपके पास आया, थैंक यू. तो सर जब डायरेक्टर आपके पास आया कि हम लोग ये फिल्म बना रहे हैं सोन चिड़िया, डाकू के ऊपर है, आप सबको बनाना है डाकू. हाँ. तो आपको खुशी हुई कि ये हमें लगा कि यार ऐसा कौन सा चैलेंजिंग काम कर रही है. पर हर एक किरदार सर मजा आ रहा है देख के. मतलब कसम से जैसे मेकअप वेकअप सब, वो दाढ़ी बढ़ाई हुई, लग रहा था कि आप में से कोई नहीं नहाया फिल्म में सर. ऐसे मतलब नहीं नहीं ये कॉम्प्लीमेंट है कि इतना करेक्टर में घुसे हुए थे सर. सबसे ज्यादा करेक्टर में वो थे, उन्होंने एक्चुअली नहीं नहाया. उन्होंने रियल लाइफ में भी कपड़े चेंज नहीं करता इसलिए कह रहे. पर रणवीर इतना प्यार करते हैं हमारे शो से, हमारे सबसे, पहले कुर्ता पहन के आने वाले थे. फिर उन्होंने कहा कि लेट ना आ जाऊं, नहीं मिला पजामा तो भाड़ में जाए, मैं ऊपर पैंट पहन लेता और ऊपर जैकेट. भाई पर सवाल लग रहा है सर, आपकी तो हिंदी इतनी प्योर है कसम से. जब हमने आपको पहली पहली बार हिंदी शुद्ध बोलते देखा था ना, तो मुझे लगा शायद हमारे जो टीचर ने पढ़ाई वो गलत पढ़ाई है, असली वाली तो इन्हीं को आती है. सर ये कितना मुश्किल होता है कि चंबल की भाषा पकड़नी, उसको अडॉप्ट करना? नहीं ये चूंकि बुंदेलखंडी भाषा में है.
जी, और भाग्यवश ये हमारी मातृभाषा है। अरे वाह, तो इसलिए मुझे मुश्किल नहीं हुई। क्या बात, जितनी मुश्किल हुई वो इन लोगों को हुई होगी। हम अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं। पर सर आपकी भाषा है, आपकी नेटिव भाषा है, आप चाहे तो डाकू बन सकते थे, आप फिल्मों में कैसे? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जो मनोज ने अभी कहा कि इनके लिए क्या चैलेंजिंग था, चैलेंजिंग ये था कि जो डकैत हैं उनको पुलिस वाला बनाना और जो पुलिस वाले हैं उनको डकैत बनाना। प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। मैं यहाँ बैठूंगा तो पता ही नहीं लगेगा, मैं बैठा वैसे लगेगा सोफे का सर लगा हुआ है। लगेगा सोफे में सर लगा हुआ है। नहीं पाजी, एक्चुअली पता क्या लग रहा है, आपकी जो कॉम्बिनेशन हुआ है ना इसके साथ, ऐसा लग रहा है फिल्म में मेन आप ही हैं, बाकी सब साइड वाले। सोफा मैच कर गया। अच्छा, आपने कान में तो ऐसे बोला जैसे किसी को हम ये चलाने वाले हैं, आपको पता है। रणवीर, कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है, आप सब जानते ही, आपने फिल्मों में देखा हुआ है। तो आप जैसे कपड़े उपड़े पहन के घूम रहे थे और कोई असली डाकुओं का ग्रुप निकलता आपको साथ ले जाता था। हो सकता है एक्चुअली फ्लो फ्लो में कोई ले जाए कि भाई हमारे साथ असली डाकू। हाँ, असली डाकू अब खत्म हो चुके हैं वहाँ, थैंक गॉड फॉर दैट। लेकिन वो हमारे क्रू में कई रिटायर्ड डाकू भी थे। रिटायर्ड तो आप ऐसे बोले जैसे गवर्नमेंट ने सम्मानित करके रिटायर किया। वाकई में ये हुआ था, सरकार ने उनको जो भी मतलब पनिशमेंट्स देके उनको जमीने वगैरह दे दी, तो वो लोग भी थे हमारे क्रू पे ताकि हमारी मदद रहे, और इसलिए भी कि कहीं कोई बची कुची गैंग सच में ना वापस आ जाए। तो उनको कहने के लिए कि ये हमारे हैं, ये डाकुओं पे फिल्म बना रहे हैं, इनको मत लूटो, अगली जो दूसरी फिल्म बन रही है सामने वहां। अच्छा मनोज सर, इनका धार्मिक चेहरा है, मतलब इतने प्यारे हैं आप, मतलब धार्मिक चेहरा। पर इन्होंने फिल्मों में जो ऐसे ऐसे किरदार किए हैं, मतलब अगर मैं सत्या की बात करूं या बैंडिट क्वीन की बात करें, पर सर आप रियल में कभी किसी डाकू से मिले हैं आप? अब मेरे साथ तो रहता था मान सिंह पहले बैंडिट क्वीन के समय में। शेखर कपूर ने कहा कि यार तू स्टडी कर ले इसको, तो इसको तेरे साथ ही रख रहा हूँ। अच्छा जी। और वो जब गाड़ी में हम लोग वापस आते थे या शाम शाम हो जाती थी आते हुए पैकअप के बाद, तो मान सिंह कभी भी ऐसे नहीं बैठते थे। हम लोग जैसे बैठे रहते हैं ना गाड़ी में, गाड़ी चल रही है बातचीत कर रहे हैं, ऐसे नहीं बैठते थे, ऐसे ही बैठे रहते थे। करता बंदा ना। और वो ड्राइवर को हमेशा बोलते थे, हाँ यहाँ तेज चला, तेज चला, तेज चला, हाँ यहाँ धीरे कर, धीरे कर, धीरे कर, धीरे कर, धीरे कर। मैं, सर क्या कर रहे हो आप? तो तब पता नहीं, पुरानी दुश्मनी ना कभी भी आ सकती है। सर आप लोगों की फिल्म जो है सोन चिड़िया डाकुओं के बारे में है। हमारे मोहल्ले में भी एक लड़की है, उसको डाकू बनने का बड़ा शौक है, हालांकि है डाकुओं की दुनाली से भी छोटी है। उसको बड़ी खुशी होगी आपसे मिलके, आपको तो मुझे पता बिल्कुल खुशी नहीं होगी। मैं उनको बुलाता हूँ। भूरी। हाँ कप्पू। क्यों बुलाया मुझे कप्पू? अरे तेरे महकमे के लोग आए, डाकू लोग आए इधर। मैम देखा, इतने सालों बाद फाइनली आज कप्पू ने खुद मुझे बुलाया है। मतलब इसका मतलब यही हुआ ना कि मेरे प्यार का सुरूर फाइनली चढ़ रहा है। मेरे को नहीं चढ़ रहा, जो तेरे को रात का चढ़ा वो तार नींबू चाट जाके जा फालतू में। अरे वो आए तो उनको मिलवाने के लिए मैंने बिठाया, बैठो इधर आओ। वैसे तुम कहो तो मैं जहर चाट लूं। इसका ऐसा है, चाटू तो बहुत तगड़ी है ये। पर तो पानीपुरी वाला पानीपुरी खिला रहा है, पानीपुरी खा के इसका हाथ चाट गई। यू क्या? तुम ना प्लीज कप्पू रहने दो, सुशांत आया। कैसे हैं? हाय हाय। आप कैसे हैं पहले? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शादी का क्या इरादा है? अगर इल्म होता आपको मेरी मोहब्बत का तो आपको खुद से मोहब्बत हो जाती। ये ना सर, अभी ये शादी का वेट करते करते ना बुखला गई है, किसी को भी ऑफर दे देती है। अभी तो तुम्हें बोल रही बाहर, किसी तुम्हारे ड्राइवर को बोल रही थी, सुशांत तो कसम से बोली थी सुशांत को 3 घंटे लगेंगे, तब तक हम शादी कर ले, ऐसे बोल रही थी। कपिल आज मैं कार खुद ड्राइव कर गया, ये कपड़े बांट के। अरे पागल, और बुरा होगा वो ऑटो वाला था।
करने वाली हूँ, ओके? अब किसी बहुत बड़े ज्योतिषी ने मुझे कहा है कि मेरी शादी ना एस नाम के लड़के से होगी। तेरे को सांबा सूट करेगा। एस से सांबा। तुम ना एस से शट अप हो जाओ, क्योंकि तुम जेलस हो। हाँ, मैं जेलस हूँ। सुशांत, हमारे बीच ना शुद्ध देसी रोमांस होगा, ठीक है? फिर उसके बाद हमारे भी एक दो छोटे छोटे काईपुचे हो जाएंगे। सीधा काईपुचे, पहले नाक पोंच, फिर झाड़ू पोंछे, उसके बाद जाके काईपुचे। ये हटती नहीं। मतलब कोई मैं बुला के ले डायरेक्टली हो गई ये तो। सुशांत, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। सॉरी, एक सेकंड। क्या? नहीं, इसकी बातों में ध्यान बिल्कुल मत दो सुशांत। ये आदमी ऐसा ही है, हर जब देखो इंटरमिशन की तरह बीच में आ जाता है। कॉन्फिडेंस देखो, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, उससे भी तो पूछो। अरे वो तैयार है, सब तैयारी मैंने कर ली है, बाहर घोड़ा भी तैयार है। पूरा, हाँ, घोड़ा पता क्या, घोड़े ने पैर के नीचे नाल नहीं होती, वो निकाल के रख लिया था, या तो ये नल्ली जाएगी या नाल। तो इसको तीन दिन तक कोई नहीं उठा सकता। बास इतनी मारती। कहां से तुम, ये कौन सी खामियां है मुझ में जो सिर्फ तुम्हें दिखाई देती है? मेरे फैंस तो कुछ नहीं बोलते हैं। कौन से फैंस? चार इसके मामा के लड़के हैं जो इसको देखते रहते हैं और इसको ना इसको पूरा चढ़ा के रखा। दीदी, क्या आज तूने मांगा गेस्ट लोगों से? एक तो इसका बुआ का लड़का इतना बदतमीज कहता, आज मनोज जी आने वाले हैं, उनका पद्मश्री मांग ले। तो पागल, तो मेहनत किया कर, सीख भूमि से सीख कुछ। भूमि, मैंने ना आपकी फिल्म देखी थी दम लगा के, हायशा, व्हाट अ दमदार फिल्म इट वाज। फिल्म बहाना है, दम लगाए बेरा कुछ करती नहीं है। इसने तो टॉयलेट भी दम लगा के देखी है। इसको तो इतनी आदत होगी दम मारने की, कभी कभी होता भी नहीं है, खाली हाथ से करते रहती है। अच्छा, कब मेरी बात? अच्छा, पर टॉयलेट से मुझे याद आया भूमि, आपके फिल्म से इंस्पायर होकर हमने भी अपने घर में टॉयलेट बनवाया। yes. मैं सच बताता भूमि, कोई पर वो मांगा था किसी से या खुद बनाया? खुद बनवाना पड़ा। मांगा नहीं, सरकारी टॉयलेट था, उसके ऊपर ना दो बेड बना लिए। अभी लोगों को बोलती मेरे रिजॉर्ट है, तो लोग दो दो मिनट रुकने के 5-5 रुपए देते इसको। देखो तुम्हारी ना बहुत बकवास होगी, तुम बकवास ये सब सुनाने के लिए मुझे बुलाया था, मैं जा रही हूँ। अरे सुनना, बेहतर बात सुन पागल, वो तेरे डाकू लोग आए, मैंने इसलिए बुलाया था, तेरी मुलाकात कराता हूँ। देख, काला कुर्ता भी पहन के आई आज। इसको एक मिनिएचर घोड़ा लेके देना, मैंने इतना सा ना। So cute. मिनिएचर घोड़ा। तेरे लिए कुछ लेके आए वो। सुशांत, आप कुछ लेके आए थे ना, आपको डाकू वाला सामान कहाँ है? पीछे आए, किसी को दिया था? हाँ, इनको दिया था, दीजिए। अभी देखना, उसको डाकू बनने का बड़ा शौक है, देख तेरी भगवान ने सुन ली, देख। हाँ, छोटी बंदूक नहीं है कोई? अरे ये वाली गोलियां दे रहे हो, ये गोलियां तोड़ के ना इसमें से बारूद पिएगी। हाँ, लगा दो, लगा दो। अरे प्लीज शूटिंग बंद हो जाएगी। ऐसे टाइमिंग उनकी बहुत। क्या? नहीं, नहीं, ये कप्पू के ऊपर सेव रखना चाहिए। क्या बात है, क्या प्री मैच्योर डाकू लग रही थी। प्री मैच्योर डाकू। बंदूक अभी भारी है वैसे। देख, भगवान ने तेरी सुन ली, डाकू बन गई, यही बनना था ना तुझे? बन गई मैं डाकू। अब मैं शहर की सबसे बड़ी डाकू बनूंगी, डाकू भूरी। जय भवानी। डाकू बनेगी रे, असली डाकू इधर है, इधर। जय भवानी। बस कर रहे। अरे मैं खाली डाकू में डर गई। कह रहे, काहे की डाकू बनेगी रे तू?
जितनी तू है ना तेरे से बड़े लोग तमंचे लेके घूमते मार्केट में बात कर रही तो छर्रे जैसा मुंह एक ही डाकू बने रही है ना मनोज जी ऐसे छर्रे जैसा मुंह लेके तू औरत बन सकती है तो मैं डाकू नहीं बन सकती वाह वाह और डाकू बूढ़ी के सामने कायदे में रहोगी तो फायदे में रहोगी फायदे में रहोगी ज्यादा बकवास नहीं करा मुझे कायदा मत सिखाना समझी जितनी सी तो है ना ये चंबल के डाकू लोग ऐसे ऐसे करके खैनी बना को डाल देंगे यहाँ पे बड़ी आईली है इधर एक डाकू भूरी को ना हल्के में मत ले भूरी जहाँ खड़ी होगी वहाँ जल जला पैदा कर देगी हाँ चीज तो तेरे से जलाई नहीं जाती जल जला के पैदा करेगी तो इधर बात कर रही है ये हड़प्पा की औलाद कहीं की तेरी जैसी औरत को ना मैं अपनी बंदूक की नली साफ करने के लिए रखेगी ए भांडूप की भिकारन सपना ये क्या कर रही है तू जनाब का फरमा है चंबल साफ करने का कैसा डायलॉग बोली आपका मैं सर बहुत अच्छा मैं तो चापलूसी भी बहुत अच्छा कर लेती हूँ चंबल साफ करने वाले चले चंबल साफ करने ए पाल घर की पिल्ली बिगाड़ दूंगी तेरी जिंदगी का खाका अभी यहाँ से निकल ले वरना तेरी मौसी का साकी नाका सॉरी ये मेरे को बात करती है सपना बहुत ज्यादा हो गया इससे पहले यहाँ पर स्मेल आए निकल इधर से निकल इधर तेरे को मैं बाद में देख लूंगी कपूर तुम समझा लो अपनी बहन सपना को बात करते हैं हाय हाय कितना अच्छा लग रहा है डाकू लोग आए लेना कपू गेस्ट से ऐसे बात नहीं करना सपना इनका नहीं उनका बोल रहे डाकू लोग आए लेना कितना अच्छा लग रहे डाकू आते हमारे मंत्री जी को खा गए किधर है हमारे मंत्री जी अकेले आए ले आप क्यों वो आपके वो नहीं है परमित जी जानते हैं ना इनके जेंट्स वाइफ है वो सच्ची में और एक बात बोले कपू ये मेरी बड़ी बहन है नहीं मानते ना एक मिनट जरा आप खड़े होइए ए भगवान पता नहीं क्या होने वाला है पर्सनैलिटी में कोई फर्क लग रहा है कोई फर्क ही नहीं है ना आशुतोष राणा जी अरे इधर फूल पानी मंगा अरे आरती लेने का इनका दंडवत प्रणाम करेगी मैं अरे अरे ये सब क्यों कर रही है अरे ये हमारी कुल देवी है कुलदेवी है तेरे को मालूम नहीं है हमारी कुलदेवी ये फिल्म इंडस्ट्री के पहले एक्टर है जिन्होंने संघर्ष फिल्म में साड़ी पहन के तो ऐसा ऐसा किया था सर आपने वो प्रथा चालू की और आज बहुत सारे कम मर्द है जो औरत बन के करोड़ों रुपया कमा रहे मैं बहुत खुश है बैठी है ना बहुत अच्छे आप कपूर सच्ची एक भाई बताओ बहुत सीधे दिखते हैं ना लेकिन इनके ससुराल वाले बहुत शाणे कैसे अरे मैं रेडू का शाणे जी की बात कर रही हूँ बहुत अच्छे अच्छा सर एनएसडी से है ना सर आप बहुत मेहनत करके इतना आप इतने बड़े बड़े पिक्चर कर रहे ले और आपने हमारे होम प्रोडक्शन में भी मेरे मामा के साथ आप ही विलन थे ना तो 1 करोड़ रुपया दो ना मेरे गेस्ट से पैसा नहीं मांगना कप्पू तो मेरे को डांटता रहता है कभी इनको समझा दिया करके दे दे मेरे को थोड़ा पैसा और रणवीर जी कैसे बस बस आपकी आपसे कोई गलती हो गई क्या नहीं, नहीं। तो फिर नाम क्या के सॉरी क्यों लगाया सपना उनका उनका नाम शौरी है रणवीर शौरी अच्छा ओ शौरी शौरी ओ सॉरी सॉरी मतलब देख सपना
तेरे को कोई भी बात करनी है तो सोन चिड़िया से रिलेटेड बात कर. सोन चिड़िया ना पिक्चर आ रही, बहुत जोरदार ताली पिक्चर के लिए, बहुत अच्छी. तो सोन चिड़िया का अभी हम लोग प्रमोशन करेंगे. हाँ. ठीक है, गेम खेलेंगे. आइए इधर. हाँ ऐसे रखना. आप भी है ना पिक्चर में, आइए ना. यहाँ खेल, यहाँ पे खेल लूँ? चलेगा. आप चलेगा उधर. चिड़िया उड़, मैना उड़, तोता उड़, गाय उड़, मैं जीत गई थी. ये चिड़िया उड़ गई, अभी बचा सोन. तो सोन को क्या पापड़ी से मत मिलाना, क्योंकि सोन पापड़ी मिल जाएगी तो दिवाली में लोग खा जाते हैं. तो चिड़िया गई, सोन गई, तो ऐसा अलग अलग हो. सोन पापड़ी और चिड़िया और चिड़िया. हो गया, प्रमोशन किया मैं, कैसा लगा? अच्छा, मेरे मेन काम भूमि, आप लोग सब लोग मेरे को ना नाला सोपारा में लगेंगे 10 दिन के लिए. ए? ये क्यों लगेंगे? वहां पर क्या शांति बहुत है, बहुत पीसफुल लाइफ जी रहे लोग उधर. हम लोग क्या सड़क पे निकलते तो कोई उठाने बिठाने के लिए है नहीं. मैं तो रात भर बस स्टैंड पे बैठी रहती हूँ, कोई आके डाकू उठा के लेके जाए. तो अभी क्या आप लोग आएंगे, अच्छे एनएसडी से है ना, तो एनएसडी के डाकू आएंगे, डिक्शन में गाली देंगे, कितना अच्छा लगेगा. लेकिन तू अकेले मत आना सुशांत उधर, क्यों? क्योंकि जितना तू चिकना है ना, मैं तेरे को उठा के लेके चले जाऊंगा. अच्छा, वैसे मैंने इधर मसाज पार्लर है हम लोग का, ये तो मैं इसे भंकस करती है. ये इधर सपना ब्यूटी पार्लर है. तो आइए ना कभी इधर, बहुत अपना अलग अलग टाइप का मसाज. मेरे को दीदी ने मसाज सिखाई ले मेरी. दीदी ने? हाँ, दीदी मेरी, ये अर्चना पूरन सिंह. ये इनका आप हाथ देखिए ना, मतलब ये 10 मिनट में हिप्पोपोटामस धो देती है. अभी मालूम है हमारे इधर ना कप्पू हाथी मसाज कराने को आया था. हाँ. 5 मिनट में उसका मसाज करके ऐसा निचोड़ भी दिया उसको. अच्छा, हमारे इधर तिजोरी मसाज बहुत अच्छा है. उसमें क्या होता है? उसमें दीपक तिजोरी आता है मसाज करने. और फिर इधर राणा मसाज बहुत अच्छा है. अच्छा, उसमें आशुतोष राणा आएंगे? नहीं, राणा तुंगा आता है, ये क्यों आएंगे उसमें? हमने ना सुशांत संघर्ष मसाज रखे है. हाँ. क्या करते हैं उसमें? उसमें क्या, हम लोग ऐसा हम कस्टमर को लिटाते. कैसे लिटाते? ऐसा करके लिटाते. हाँ. फिर उसकी बॉडी पे गरम तेल डालते. हाँ. फिर वो क्या संघर्ष करता है. ठीक है, अभी ये पहला लेवल हुआ. हाँ. उसके बाद क्या, उसको उठा के गरम पानी में कूद जाती है. अभी क्या, पैर में तेल लगेला है. हाँ. वो भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन. हाँ. एक ही जगह पे भाग रहा है. ऐसा है. तो ऐसा लेवल बढ़ता रहता है संघर्ष मसाज का. सर, एक बार मेरे लिए करो ना ऐसा. तेरे लिए, सुन सुशांत. तेरे लिए हमने स्पेशल मसाज रखे ले, धोनी मसाज. इसमें क्या करती हो? उसमें सामने वाला करता है और धोनी भी उसको खुद को पटती है. खैर, मैं जाती है अभी, क्या है. चलो, बदतमीज औरत. ए सपना, तेरे जाने से पहले मैं आई वांट टू से कि तू मुझे बहुत पसंद है. तू इतना अच्छा काम करती, तेरे एक एक जोक मुझे बहुत पसंद है. 1 करोड़ रुपए दे ना. मेरे को मालूम है आप 1 करोड़ ही लेने आए हैं, कुर्सी आपने इसलिए पकड़ी है. आशुतोष सर, वैसे जो भी आदमी पहले एक्टर बनने आता है, तो आप भी 18-20 तक आते आते आपने प्ले जो भी थिएटर वगैरह करना शुरू कर दिया होगा. तो एक्टर जब बनता है कोई भी इंसान, तो शुरू में तो यही सोचता है कि मैं हीरो बनूंगा. हालांकि आपने बहुत सारे विलन के रोल किए हैं. सर, आपका कभी दिल नहीं करता कि मैं फिर से यॉट पे टॉपलेस ऐसे गॉगल्स पहन के, 5 बिकनी पहन के लड़कियां इधर 5 इधर, मैं ऐसे जा रहा हूँ, आपका कभी मन नहीं करता सर ऐसा किरदार करने को? इशारे पर ना जाइए. करता है, और उसकी भड़ास जो हमने निकाली है वो ये है कि अब नाचने का नहीं, नचवा के हम आनंद ले लेते हैं. तो जैसे आपका मन है कि ऐसे कभी हो कि हीरोइन के साथ रोमांटिक ट्रैक हो,
सर आज आपको मौका है, भूमि जो है इनकी हमारी अभी गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि हमारे इतने मजेदार एक्टर्स हैं और आज हम आपका ये सपना पूरा करना चाहते हैं सर। मुझको राणा जी बात कर, मुझको राणा जी बात कर, मनोज सर आइए। तो सिचुएशन कुछ यूं है कि एक हीरोइन है और दो हीरो हैं, सो कैन वी हैव द ट्रैक प्लीज। तुमने तीन को ऐसे खड़ा किया है जिनको जिनके लिए डांस का डर भी नहीं पता। थैंक यू। कसम से कितनी प्यारी ऑडियंस है, इसके बाद भी कह रही वंस। मुझे ऐसा लगा आशुतोष सर ना ऐसे करते करते ऐसे करने लगेंगे। मतलब देखा ही हमेशा फिल्मों में ऐसे हैं। अच्छा मनोज सर, जैसे आपने कहा कि रणवीर तो कभी कभी नहाते भी नहीं, चलो गेटअप में ही है। मैं ऐसे ही सर, मुद्दा बहुत बड़ा है, जनता से जानना चाहता हूँ। सर्दी भी इस समय बहुत पड़ रही है, नॉर्थ में तो बहुत ज्यादा पड़ रही है। आपको क्या लगता है कि नहाना कितना जरूरी है? आप अपने अपने विचार रख सकते हैं। जी भाई साहब, मोगाम्बो खुश हुआ। थैंक यू। क्या हाल है एवरीवन? हेलो जी, माय नेम इज राकेश बजाज, मैं पुणे से आया हूँ। जी बजाज साहब, सर मैं ये समझता हूँ नहाना रोज इसके लिए जरूरी है। मैं जब थका मांदा अपने काम से घर आता हूँ शाम को। अच्छा जी। मेरी शादी को आज 18 साल हो गए हैं, शुक्र है, पर फिर भी मेरी बीवी जैसे ही मैं शाम को घर आता हूँ मुझे हक करना चाहती है। हैं? हाँ, आज भी। वाह, मेरी लकी। इसके लिए घर आने के बाद जी सबसे पहले शावर लेता हूँ, फिर बीवी हक करती है तो पूरी थकान उतर जाती है सर दिन भर का काम करने की। सर ये बहुत बड़ी बात है मैम, 18 साल बाद भी हगना वगैरह हो रहा है आपका, मतलब हग वगैरह। तो आपकी पत्नी भी आई है साथ में? सर आई है। कहाँ है? वहां पे बैठी है पीछे। अब हग नहीं कर सकते। बहुत बहुत स्वागत है आपका। यही फर्क होता है, पता है, नई नई शादी होती है तो बगल में बिठाता है आदमी, अभी किसी और की वाली के साथ बैठे हुए हैं आप। इनको हगना किया करे ज्यादा, देख लो आपने साथ नहीं बिठाया इन्होंने आपको। कपिल सर एक चीज बोलना जरूर चाहूंगा। जी बजाज साहब, जब से आपको देखा है जिस तरीके से आप फ्लर्ट करते हैं, हर 70 साल का बूढ़ा भी जो है वो जवान हो जाता है सर, ये पक्की बात है सर। क्या आपने आप तो सर आपका आपका जो फ्लर्ट करने का तरीका है वो अलग है, आप दिल से करते हैं फ्लर्ट भी। दिल से फ्लर्ट करते हैं सब, पर ये जरूर ध्यान में रखते हैं कि सामने वाला अफेंड नहीं हो। सर बिल्कुल, पर ये अब नहीं करता, मेरी शादी हो गई। सर सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप भी हमारी कैटेगरी में आ गए सर अब। शुक्रिया सर, अभी मैं 3 महीने बाद शुरू करूंगा। पर बड़ी प्यारी बातें करते बजाज साहब आप। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? हेलो कपिल सर। हेलो। नहाना बहुत जरूरी है, लेकिन एक बार मैं कॉलेज में नहा के नहीं गई। अच्छा। हाँ, तो मैं ये सोचती थी कि मैं नहीं नहाऊंगी ना तो चलेगा, मैं ऐसे ही थोड़ा सा गीला कपड़ा लेके मुंह पे ऐसे लगा के फिर कॉलेज चली गई। सर पढ़ा रहे थे, साइंस की क्लास थी और मुझे नींद आ गई। अच्छा, क्योंकि मैं नहाई हुई नहीं थी। अच्छा। सारी क्लास मुझे देख रही थी और मैं आराम से ऐसे लेटी हुई थी, सो रही थी। आपको सच में सच बोल रही है कि टीवी पे आने का शौक है? नहीं 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 सर, पर बड़ी नहीं सर, पर बड़ी क्यूट है आप। आप शादी के बाद ना बहुत शरारती हो गए हो सर। इनको कैसे पता? तो शादी करके फिर शरारते ना करूं तो फायदा क्या है? सर आपकी शरारत के लिए मेरी तरफ से एक लाइन आपके लिए। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके बगल में जो बैठे इनको माइक देना प्लीज। Where are you from? From which country? Hello, sir. Hello everyone. I'm from Austria. Austria. I'm so happy and so proud to be here today because my friend Chand, I just come to visit India and he bring me today. So sweet. Thank you. Welcome to India. Thank you so much. What's your good name? Sorry. Karina. 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 And this is your Saif Ali Khan, your bagal mein. He's your friend. Family friend. So he's from India. Yes sir. आप तो बहुत ज़्यादा इंडिया से लग रहे हैं। प्रिया आपको आपकी friend है आपकी? आप लेके आए इनको? मेरी friend है। कहाँ मिले आप एक दूसरे को? Facebook पे। वाह। Austria is a beautiful country. Thank you. Please give me visa for one day.
शुक्रिया शुक्रिया. ओके लास्ट वन जी. हेलो मैम. हेलो कपिल अंकल. हेलो. हाँ बेटा बोल. चल मैं तो है ना नानी को बिल्कुल पता नहीं है, थोड़ा भी पता नहीं है मेरे को. और मैं है ना मैं अकेला नहीं नाता, किसको दोस्त को भी नहीं नाने देता जब मैं खेलने को किसको बुलाता हूँ तो. अब कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो आप? पनवेल से. तो क्या करते हो आप? कुछ नहीं, टाइम पास. तो मतलब कुछ तो करते होगे, कोई काम धंधा? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं करता. तो नहा ही लिया करो, इतना टाइम है तुम्हारे पास. ना के कौन सी मेरे लिए करीना कपूर लोएगी. सही बात है. तो अभी हमसे क्या चाहते हो? चल चल मैं आपके क्या लिए... उम्र क्या है आपकी? मेरे लिए अभी अतला 18 हो गई है. चालू है? चालू कौन चालू है? आप भी बड़े चालू हो. क्या करना क्या आपने? चल नहीं मेरी बात सुनो. जैसे एक एम होता है लाइफ में कि आगे चल के मुझे ये करना है ना. टाइम तो निकलता रहेगा, पास होता रहेगा, कोई नहीं. पर कुछ तो सोचा होगा, कुछ करना. चल मेरा तालगे तो मेरी मंजिल भी मेरे सामने है, मंजिल के बीच में आपका ये आ गया था कपिल शर्मा शो, इसके लिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ. इसकी मंजिल के बीच में मंजिल क्या है? क्या है तेरी मंजिल? हमारा शो बीच में आ गया. तो वैसे क्या है आपका टारगेट, मंजिल आपकी क्या है? चल मेरी मम्मी की इच्छा है और मेरी मम्मी का सपना है कि मैं भी आपके जैसे अपने देशवासियों को, अपने सारे फैंस को है ना, आपके जैसे हंसाओ, उनके जैसे आपके जैसे एंटरटेनमेंट करूं सबको. आपने बहुत हंसाया यार आज. तो बहुत हंसाया तुमने भैया. अब मैं तुम्हें गिफ्ट देता हूँ आज, लाओ. आपको ये फोन दिया जाता है. ये लो शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको. चाहिए आपको? अगर नहीं चाहिए तो आप हमें वापस भी कर सकते हैं. चाहिए बड़ा चालू बंदा है. चलो मेहनत किया करो, कुछ बनो ठीक है लाइफ में. यस चल. ऐसे दिमाग नहीं खाना दूसरे शोज में जाके लोगों का. रणवीर पाजी को कहीं और भी जाना है. सो पाजी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू सो. और बहुत मजा आया और हमें इंतजार है आपकी फिल्म का पाजी. शुक्रिया. बाय बाय. सो बाय रणवीर. Thank you all very much. Thank you. सर फिल्म में तो आप डाके डाल रहे हो, डाकू बने हुए हो, फिर जाके पैसा कमा रहे हो. आज हम आपको यहाँ पे हमारा खेल होता है के भैल करोड़पति, उसमें आपको बिना कुछ किए पैसे कमाने का मौका दे रहे हैं. तो फटाफट के भैल करोड़पति का सेट लगाया जाए. नमस्कार नमस्कार देवियों सज्जनों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खेला में जिसका नाम है के भैल करोड़पति. अर्चना जी व्हाट इज अप? एवरीथिंग गुड. यो दैट इज नाइस यार. हम हैं बच्चा यादव. नमस्ते. और सबसे पहले क्या है कि हमारा एक जॉक्स का पिटारा है हमारे पास. क्या है, उसके बिना हमारा चलता नहीं है यार. मतलब वो पेट में दबा के रह नहीं पाएंगे. जॉक सुना दे शुरुआत में. ना, ना, देखो ना. मजा आता है थोड़ा. हाँ माहौल बनता है. तो जो अपना कफ और खांसी से परेशान आदमी दुनिया का सबसे निडर आदमी है, बताइए क्यों? क्यों? क्योंकि हर बात छाती ठोक के करता है. एक और हमें बताइए कि खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल जी नहीं, आई लव यू कहते हैं. भूमि जी आई लव यू. तो चलिए अब खेला आगे बढ़ाते हैं. तो आप लोगों का स्वागत है. हमारे साथ सोन चिड़िया से वो लोग बैठे हैं ये जो फिल्म में या तो पुलिस वाले बने हैं या फिर डाकू बने हैं. एक्सपर्ट में हमारे साथ हैं सपना, जिनका हर गली में हर मोहल्ले में सिर्फ मजाक बना है और कुछ नहीं बना. हाँ और होस्ट वो कर रहे लाए जिसका गला ही नहीं बना है. इनको देखने के बाद इनके माँ बाप का दूसरा बच्चे का प्लान ही नहीं बना है. ले ज्यादा बकवास किया ना, पीछे ले जाकर ऐसा ऑप्शन देगी ना तेरे को 50-50 हो जाएगा.
फिर फोनो फ्रेंड करके डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा तेरे को। बकवास कर रहे ले। ये महंगे लोगों का दो मिनट बर्बाद क्या, हम माफी चाहेंगे, सॉरी। मोटी चमड़ी आ गई लिए हर बात का जवाब है इसके पास में। देखो ना इसका पेट इतना ऐसा हो गया है, हम लोग को तो नॉर्मल इंजेक्शन लगता है, इसको ड्रिल मशीन से देना पड़ता है। बहुत ज्यादा हमको एक साड़ी ला के दीजिए यार, आज औरत बन के औरत को पीटेंगे यार। तो एक काम करना, दो साड़ी लाना, क्योंकि पहली वाली से तो मैं फाड़ ही डालेगी। ज्यादा हेलो हेलो आजा आज चुलुप चाले। हाँ 3 बजे की अपॉइंटमेंट चाहिए। हाँ एक आदमी सुबह से भरा बैठा है। हाँ 3 बजे आएगा और अगले 2 महीने तक उधर ही बैठा रहेगा। हाँ उसके सब फाट वगैरह सब उके करा के फ्रेश होके भिजवाना। अब आते ही शुरू हो गए, तू भी जाते ही शुरू हो जाना। जो करना है खुल के करना। ओ एक तरफ चंबल बॉयज, दूसरी तरफ दिल्ली बॉय राजेश रोड़ा। अच्छा भूमि आई है, भूमि आपको देख के आदमी ब्लश करता है, वो इसको देख के आदमी फ्लश करता है। क्या बात है, लगातार बकवास करने वाले अंकल आ गए। हमारे मोहल्ले में ना एक टाइम पानी नहीं आता, ये अंकल दो दो बार आता है इधर। अच्छा विशेष सूचना, मैं सिर्फ अमीर लोगों से बात करूंगा। धोनी तुम यहाँ डाकू बनकर घूम रहे हो, वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? अजय आपको पता है आई लव डाकू। भूमि तुम डाकू बनी हो, तुम मुझे लूट लो। मुझे तब तक नचाओ जब तक मेरी सांस चल रही है। भूमि बोलो म्यूट। म्यूट। यू आर सो क्यूट। बेटा तुम बोलो शोहरत। शोहरत। 70% आदमी 30% औरत। बजा तुम बोलो ओ साला पागल। अरे अंकल आपको डांस वांस का शौक नहीं है क्या? हाँ बहुत ज्यादा। आप वो वाला डांस फॉर्म करेंगे ना आपको बहुत सूट करेगा। कौन सा फॉर्म? क्लोरोफॉर्म। उसमें कैसा मुंह पे सूंघने का 4-5 घंटा लेट जाओ, आपको भी आराम हमको भी आराम। तो बात तो सही है। एक बार के लिए आप दोनों थोड़ा सा शांत हो जाइए, खेला के नियम बता दें हम। नियम मैं बताऊंगा। पहला नियम यह कि अगर अंपायर ने दोनों हाथ खड़े किए तो सिक्सर, एक उठाया तो आउट। क्रिकेट का रूल्स बताए हैं आप। आज धोनी बैठा है, मैं बताऊंगा। एक रूल और बताऊंगा मैं, अगर इस औरत ने दोनों हाथ उठा लिए सारी दुनिया आउट। मैं आपको बताऊं भूमि जी, ये औरत ने इधर दाढ़ी रखी हुई है। पस पस कर रहे। अंकल अंकल बोलो अंगूर। तेरी माँ लंगूर। क्या हुआ, उड़ गया मजाक? ऐसे नहीं होता है, ये देखो आप बोलिए छुआरा। तेरा बाप वारा। मेरे को बोलता है तूने कौन सा आईटी का सवाल पूछ लिया इधर। बहुत अच्छा, कुछ देर के लिए सेटअप हो जाइए, दरख्वास्त है हमारी। हाँ ओके ठीक है, चलिए तो खेला आगे बढ़ाते हैं सर। तो ये रहा 1101 रुपए के लिए आपका पहला सवाल, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। डाकू हमेशा घोड़े पर क्यों आते हैं? आपके ऑप्शन है ए, घोड़े उनको घास नहीं डालती इसलिए घोड़े पर आ जाते हैं। ऑप्शन बी, घोड़े का चालान नहीं कटता इसलिए। ऑप्शन सी, उनको तकबक 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 आवाज अच्छा लगता है इसलिए घोड़े पर आते हैं। या ऑप्शन डी, वो सारे भाग घोड़े होते हैं इसलिए घोड़े पे आते हैं। वैसे काफी मुश्किल सवाल है। वो भगोड़े होते हैं इसलिए घोड़े पे आते हैं। ऑप्शन डी। आप एक बार फिर से सोच लीजिए। अच्छा एक सेकंड, क्या लगता है? हाँ, वही, हाँ, 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 थोड़ा सा कठिन सवाल है, हम आपको हेल्प करते हैं, एक्सपर्ट हैं यहाँ पे, एक्सपर्ट अच्छा। राय देंगे, मतलब ऐश्वर्य से कोई लेना देना है राय का, लेकिन मेरे को क्या लगता है कि डाकू लोग जो रहते हैं ना वैसे लंबे चौड़े रहते, तो वो ठेले पे थोड़ी आएंगे, घोड़े पर ही आएंगे ना। बेटे एक बात सुनो मेरी, तुम अस्तबल में रहा करो। कैसा घोड़े जैसा मुंह इस औरत का, शादियों का सीजन चल रहा है, पीठ पे दूल्हे बिठाओ छोड़ के आओ उनको। ऐसी गलत औरत, मेरे को ये औरत बिल्कुल पसंद नहीं आई। अंकल
क्या है? अंकल आप 50-60 पराठे खा लो ना। क्यों? बाथरूम में बिजी रहोगे, इधर हम आराम से गेम खेल लेंगे। चलिए जवाब क्या आपने दिया? ऑप्शन डी। डी ऑप्शन लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। 1101 रुपए आप जीत गए हैं। 1101 रुपए जीते हैं। हमारे यहाँ पे डिजिटल ट्रांसफर का सिस्टम नहीं है, पुराना हो गया है, तो हम नया सिस्टम शुरू किया है, इट्स कॉल्ड वर्बल ट्रांसफर। ठीक है भाई, इनके अकाउंट में 1101 रुपए डाल दो। डाल दिए। ये अब देखिए, आप लोगों को मैसेज भी आएगा जी। अच्छा सुशांत जी, आपके अकाउंट में 1101 रुपए आ गए। उससे पाव भाजी लेके आना प्लीज। अब ऑर्डर दिया है, देखते हैं आता है, आता है नहीं आता, नहीं आता इट्स ऑल वर्बल। ओके ओके ठीक है, चलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो यह सवाल है 2 केलों के लिए। अगर आप जीतते हैं तो 2 केले के साथ आपको 1 संतरा भी दिया जाएगा, ताकि वो 2 केले ना महसूस करें। आशुतोष जी, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक सवाल आपके लिए है, क्योंकि आप आशुतोष राणा हैं। तो मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। इसमें ये लड़की आपसे किस गलती की माफी मांग रही है? आपके ऑप्शन है ए, आपका हॉटस्पॉट चुरा लिया उसने इसलिए। ऑप्शन बी, आपसे ज्यादा शुद्ध हिंदी में बात कर रही है इसलिए आपसे माफी मांग रही है, गलती हो गई उससे। ऑप्शन सी, उसको मांगने की आदत है तो मांग रही है मंगोड़ी कहीं की। या ऑप्शन डी, ये आपका पर्सनल मैटर है, आप इस मामले को दबाना चाहेंगे। ऑप्शन बी, हमसे ज्यादा शुद्ध हिंदी में बात कर रही है इसलिए वो माफी मांग रही है। मेरे को पता है, उसने पक्का इनको सर्दियों में ठंडे ठंडे हाथ लगा दिए होंगे, वो माफी मांग रही है। आपको पता है भाई साहब, सर्दियों में अगर आदमी की रजाई में थोड़ी सी भी हवा घुस जाए, ओए होए तशरीफ लकड़ी की हो जाती है। अच्छा मैं आपको बाहर जाऊँ, जब भी सर्दी पड़ती है मैं तो अपनी बॉडी लेमिनेशन करा लेता हूँ। नहाते रहो, पानी पड़ता ही नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हेलो, हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी होली, रंग बर्थडे। ये क्या कर रही है तू? ये क्या कर रही है? अरे रुक जा रुक जा, अभी अल्लाह के नाम पे देते हैं पापा, अल्लाह के नाम पे देते हैं पापा। ये क्या कर रही है? तो आप क्या कर रहे हैं इतनी देर से यहाँ पे? बेवकूफ औरत। एक सवाल का 100-100 जवाब तेरे लिए इतनी देर से। दिमाग की नसों ने सुइसाइड कर लिया मालूम है अंदर। क्या कह रही आदमी बोलता मालूम ही नहीं। तो अगला सवाल हम पेश कर रहे हैं 50 लाख रुपए के लिए। छोटा मोटा अमाउंट खत्म। मेरा सवाल एक, 50 लाख देगा कौन तेरा बाप? वो जिसका 100 है उससे पूछो यार। तो लीजिए 50 लाख रुपए के लिए अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। छींक मारने से पहले इंसान कैसी कैसी शक्ल बनाता है? आपके ऑप्शंस हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे नहीं। वी विल हेल्प यू विद सपना, आप जरा हमारी मदद कीजिए प्लीज। तो छींक मारने से पहले आदमी कैसी शक्ल बनाता है? ऑप्शन ए, एक ऐसे रहते हैं। ऑप्शन बी, थोड़ा लेफ्ट साइड में। एक ऐसे रहते हैं। ऑप्शन सी, आप बनी रहे ऐसे ही। ऐसा मैं देखी थी एक को छींक मारती। इनको देखी थी। मैंने भी देखा था, इन्होंने छींक मारी, खुद का ही मुंह उतर के उधर गया, फिर उठा के मुंडी रखी। आप ऐसा ना क्या करें। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लगा?
ये साइड वाला ज्यादा मुझे सही लग रहा है, साइड वाला, साइड वाला है। हाँ बिल्कुल सही जवाब। आप लोग जीतते हैं 50 लाख रुपए। बर्बल ट्रांसफर होंगे। 50 लाख रुपए इनके अकाउंट में डाल दो। मैंने 50 लाख ट्रांसफर कर दिए आशुतोष राणा जी के अकाउंट से। इसके अकाउंट से निकाल रहे हैं वो बताना नहीं है बदतमीज। तू बदतमीज। अबे शट अप, यू शट अप। ये छोड़िए यार, ये पागल हो गया है, थोड़ा ज्यादा बोल रहा है आज। रिस्पेक्ट पता नहीं कहाँ चला गया। कोई बात नहीं, ये रहा अगला सवाल आप लोगों के कंप्यूटर स्क्रीन। काली पहाड़ी को काली पहाड़ी क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए, धूप में खड़ी खड़ी टैन हो गई। ऑप्शन बी, डाकुओं की काली करतूतों की वजह से काली हो गई। ऑप्शन सी, वो बाकी पहाड़ियों से जलती है इसलिए जल जल के काली हो गई। या ऑप्शन डी, वो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में काली थी, फिर जब कलर आई वो बोली छोड़ो यार क्या कलर चेंज करना तो काली। तो बताइए, हम एक्सपर्ट सजेशन लेना चाहते हैं। एक्सपर्ट से एक्सपर्ट बताइए। मैं बताना चाहता हूँ, काली पहाड़ी काली इसलिए क्योंकि काली है और क्या है। छोटा सा सवाल है, इसमें कौन सी पूछने वाली बात है। अरे ये किसका बजा? मेरा बजा। हेलो, आज सुलभ चाल ले, 50% डिस्काउंट चल रहा है। और जाड़िए जा, 50% डिस्काउंट चल रहा है, जा फाट ले अपनी जिंदगी। मस्त बोले अंकल, इसको पूरा सूट करता है। ज्यादा मजा लेने का जरूरत नहीं है, समझी ना, बैठे रहो अपनी जगह पे। क्या ऐसा बकवास बकवास सवाल पूछ रहे लेते इधर? हाँ ढंग का सवाल पूछना। तो क्या तेरे को क्या नहीं पूछते, क्या कर लेगी? प्रॉब्लम है, मैं डरती है क्या कर रही है? अच्छा मैं आपको बता दूं, ये तो ऐसे आए थे, मेन मैं ही हूं। अब वक्त है सेल्फी का। भूमि आप मेरे पास आ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने के लिए। क्या बात है। जोरदार तालियां हो जाएं बॉलीवुड में फोक गायकी के जाने माने सिंगर मामे खान साहब के लिए। सर कमाल है। सर इस शो पर आके आपने इतना खूबसूरत गाना गाया, आपने माहौल बना दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। लेकिन मैं आप सबको ये भी बता दूं कि ये जो मामे खान साहब ने ये गाना गाया, ये आने वाली फिल्म सोन चिड़िया से है। लेकिन सर आप यहाँ पे आए हैं तो अगर मारे हिबड़ा में ना गाएं दो लाइनें तो प्लीज। आप हमारे हिबड़े में और मैं राजस्थान में हूँ और हमारे राजस्थान के हर बंदे के आप हिबड़े में हो, वो तो गाना ही भरेगा। बहुत क्या बात है सर, क्या बात है सर। मजा आ गया सर। वाह अर्चना मैम, आपने देखा पीछे अंकल आपको देख के क्या? अच्छा ये ऐसा होता है जब आपको ना कॉम्प्लीमेंट्री एक्स्ट्रा चीजें मिल जाएं। ये घर से आए थे सिद्धू जी सोच के, ऊपर से मिल गई आप। मैं अभी मैंने देखा, अभी मूंछों में दो काले बाल आ गए आपके। अंकल क्या मजा आ रहा है आज अर्चना जी के सामने? इनको देखकर मुझे को बहुत मजा आई। इनको देखकर मुझे बहुत मजा आई। पूरे हिंदुस्तान की प्यारी है जी। अपनी अर्चना, अपना नाम हिंदुस्तान रखा है आपने। पर बड़े क्यूट लग रहे थे आप अंकल डांस करते हुए। थैंक यू वेरी मच। इनको देखकर मेरी मूंछों में भी दो बाल सफेद हो गए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आके अपनी गायकी से अपने सुरों से चार चांद लगाने के लिए। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया, धन्यवाद सर। आइए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.